सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मोनिकाज किचन को और साथ में इस बेल को भी दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले आ जाए और ये बिल्कुल फ्री है, इसके आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका त्यागी है और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। तो आज मैं आपके साथ सौंठ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने इस सौंठ की रेसिपी को आपके साथ इमली के साथ शेयर किया था और आज मैं इसे अमचूर पाउडर के साथ बनाऊंगी। अमचूर पाउडर तो नॉर्मली सभी के घरों में मिल ही जाता है, तो आप इस चटनी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बिल्कुल ही पार्टी स्टाइल, जैसा कि आप शादियों में पार्टियों में ये सौंठ लेते हैं, तो उसी टाइप की मैं ये चटनी आपको बनाना बताऊंगी। आप इसे दही भल्ले के साथ, दही पपड़ी के साथ, समोसे के साथ, ब्रेड पकौड़े के साथ या किसी भी स्नैक्स इत्यादि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अमचूर पाउडर की खट्टी मीठी चटनी। आइए इसके लिए आपको दिखा दें कि किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो अमचूर पाउडर की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप अमचूर पाउडर लिया है, 1/2 कप चीनी, चीनी को मैंने थोड़ा सा ऊपर तक भर कर लिया है, 3/4 कप गुड़, गुड़ को भी मैंने थोड़ा ऊपर तक भर कर लिया है और इसको मैंने क्रश कर लिया है। आप सभी चीज़ों का मेज़रमेंट एक कप से या बाउल से या किसी ग्लास से कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच सौंठ पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच भुने पिसे हुए जीरे का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, मैंने यहाँ पर डेगी मिर्ची का इस्तेमाल किया है, इसे डालने से चटनी का कलर काफ़ी अच्छा आता है, तो बाकी हमें कोई भी कलर इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, सिंपल नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने 5 से 6 काजू लिए हैं जिसे मैंने बीज से अलग कर लिया है, थोड़े से मैंने यहाँ पर खरबूजे के बीज लिए हुए हैं। तो अब सबसे पहले हम इस अमचूर पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए एक पैन में मैं यहाँ पर ये अमचूर पाउडर को डाल दूंगी। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा गुनगुना पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 1 कप पानी लिया है और इसमें से हम थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालते जाएंगे और इसे इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। गुनगुना पानी डालने से अमचूर पाउडर है वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, इसके अंदर कोई गांठें नहीं रहती हैं, ये देखिए। और पानी पहले आप थोड़ा डालिए, उसके बाद में आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। एकदम से अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी गांठें खुलने में काफ़ी समय लगेगा आपको। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1 कप पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी लिया है, यानी हम इसके लिए 1 कप + 3/4 कप पानी यूज़ करेंगे। तो ये पूरा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब गैस ऑन करके इस पैन को रख देंगे। इसमें डाल दें ये चीनी, साथ ही डाल दें क्रश किया हुआ गुड़, चाट मसाला डाल दें, भुने पिसे हुए जीरे का पाउडर। जीरे को हल्का सा तवे पर रोस्ट कर लें और उसके बाद आप इसको पीस कर इसके अंदर ऐड कीजिए। गरम मसाला डाल दें, काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद आप सिंपल नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ये टोटल 1 टीस्पून इसके अंदर यूज़ करूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। जब तक कि इसके अंदर उबाल आता है तो हम अपने खरबूजे के बीज को भून कर तैयार कर लेंगे। तो अब बीज को भूनने के लिए मैंने यहाँ पर अपना पैन अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके अंदर डाल दें खरबूजे के बीज और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट के लिए थोड़ा भून लेंगे, जब तक कि बीज है वो अच्छे से फूल कर तैयार ना हो जाए। तो ये बीज हमारे भून कर तैयार हो चुके हैं और इधर हमारी चटनी के अंदर भी अच्छे से उबाल लग चुका है। तो इसमें 1 काजू डाल दें, साथ ही इसमें 1 खरबूजे के बीज डाल दें और अब इसके अंदर डालें ये सौंठ पाउडर। ये देखिए, करीब 2 छोटे चम्मच मैंने इसके अंदर ये सौंठ पाउडर डाल दिया है। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर पकने देंगे, तब तक कि हमारी सौंठ वो अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए पककर।
तो 7 से 8 मिनट बाद आप देखेंगे कि सौंठ इस तरीके से उबलकर बिल्कुल गाढ़ा हो चुकी है। बस इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें इसे नहीं बनाना है, क्योंकि ये रखने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाती है। तो इसी स्टेज पर आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जैसे ये ठंडी होगी तो अच्छी थिक हो जाएगी। ये देखिए सौंठ हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे ठंडा होने के लिए आप जब छोड़ते हैं तो इसे कवर करके ना छोड़ें, ताकि भाप जो है वो इसके अंदर ना जा सके। और उसके बाद आप इसे किसी कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। 2 से 3 महीने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ शेयर करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।